चलो तो हम आज शुरू करेंगे कहां से? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मोनेरा में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आर्की। बैक्टीरिया आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया इज ऑफ कितने टाइप का होता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप तो शेप के बेस पे बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है? पहला लिखो कोकस शेप, सेकेंड लिखो स्पाइरल शेप, एंड थर्ड लिखो विब्रियम विब्रियो शेप, फोर्थ लिखो बेटा बेसिलस बेसिलस शेप। बेसिलस को एक और नाम से बुलाएंगे अपन, रॉड शेप। किस नाम से? रॉड शीट रॉड शेप। ठीक, और इतने ही था? ठीक है। कोकस शेप का एग्जांपल क्या होगा? कोकस शेप कैसा होता है? वेरी गुड इस तरह से है ना, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं? डिप्लोमा डिप्लोकोकस। इसका एग्जांपल क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया न्यूमोनिया। यही था। क्या कॉज करता है बेटा? निमोनिया। निमोनिया निमोनिया क्या होता है? निमोनिया सर लंग्स में जो एल्वेलाई एल्वेलाई। होते हैं उसमें वो फ्लूइड फिल हो जाता है, फिर आपको ब्रीथ लंग्स करने में फ्लूइड एल्वेलाई में क्या हो जाता है? फ्लूइड फिल फिल। काम क्या होता है सोनल एल्वेलाई का? एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर उसमें फ्लूइड फिल होगा बेटा तो क्या गड़बड़ होगी? गैस ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन नहीं होगा, यही है ना। तो जो कोरोना होता है उसमें भी एट द एंड कोरोना लीड्स टू निमोनिया, है ना। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है ना बच्चे। अच्छा एक और चीज है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में एक और बैक्टीरिया का नाम पढ़ा है बेसिलस जो सिरिंजेस निमोनिया कॉज करता है, नाम बताओ? इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वेरी गुड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। याद रखना है उसको भी। इसी के बेस पे एक और उसका नाम भी था ना। अच्छा हाँ, किसका नाम था? हिंदू टू क्या फर्स्ट था वो? एंडो फर्स्ट न्यूक्लियस न्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड राइट? आई बात समझ? ठीक है। स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप कैसे होंगे पहले तो मुझे ये बताओ। स्पाइरल की तरह शेप होगी, सिंपल है ना। इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ फ्लैजिला लगे होंगे आगे, है ना। आई बात समझ? एग्जाम्पल बताओ बेटा इसका। स्पायरुलम, क्या एग्जाम्पल होगा? स्पायरुलम। विब्रियो माने कॉमा शेप, कैसा होगा? कॉमा शेप। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका? विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा। अच्छा मुझे आप बताओ मानस, कुष्ठ कॉलेरा जो है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रोग कुष्ठ रोग हो जाता शाबाश शाबाश, आप बताओ सुन जतिन, कॉलेरा क्या होगा बेटा हिंदी में? इट इज हैजा। क्या होता है? कुछ कब फैलता है? कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड वाटर वाटर। कब होता है बेटा ये? आफ्टर, जैसे फ्लड आते हैं ना, फ्लड के बाद बीमारियां फैलती हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमनली फैलता है सबसे पहले कॉलेरा, विच इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। बात समझ में आती है? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिलस रॉड शेप। रॉड शेप आपको मालूम है, बेसिलस बिल्कुल एक रॉड की तरह दिखेगा आपको ये, तो इसका मुझे बताओ एग्जाम्पल। बेसिलस थोरिजेनेसिस थोरिजेनेसिस हो गया, क्या कॉज करता था? ये तो वो है इन्वेजन। जेनेटिक के लिए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पेस्ट के लिए यूज होता था बीटी बीटी कॉटन वगैरह कॉटन, बेसिलस थोरिजेनेसिस, यस जिसका हम यूज करते हैं बीटी कॉटन, करते हैं ना। माइकोबैक्टीरियम ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या कॉज करता है बेटा ये? टीबी। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? पिटाल टेस्ट। पिटाल टेस्ट होता है। एक और स्पीशीज है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, क्या बोला बेटा मैंने? क्या लेप्रोसी कॉज करता है बेटा ये? लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? आत्मा आ जाती है। नहीं सर अच्छा हाथ में आ जाता है। अच्छा ड्राइन मतलब आत्मा आ जाती है स्पीशीज। क्या बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में? कुष्ठ रोग। क्या बोलते इसको हैं? बोलते कुष्ठ कुछ या कोढ़ का रोग।
क्या बोलते हैं इसे, कोढ़ का रोग। तो बताओ फिर किसको मिला था नोबेल प्राइज? मदर मदर टेरेसा। वो क्या करते थे, ट्रीटमेंट, या टेरेसा। ट्रीटमेंट तो नहीं, इनकी सेवा करते थे, है ना? ट्रीटमेंट तो कैसे करेंगे, बट सेवा करते थे, है ना? तो इसीलिए उन्हें किस चीज का क्या मिला था, रिकग्निशन मिली थी, दैट इज नोबेल प्राइज। इज इट क्लियर? सो माइकोबैक्टीरिया लेप्रोसी, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? पक्का? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया कुछ शेप बेस्ड हमारे एग्जाम्पल्स, राइट? अभी हम बैक्टीरिया को फिर से डिवाइड करेंगे। ये लिख लिया आपने, मिटा दो ना, मैं शिवास में बेटा लिख लिया आपने ये? हाँ यस ठीक है बेटा, आ जाओ फिर आगे। फर्दर हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। किस चीज के बेस पे डिवाइड करेंगे? फूड हैबिट्स के बेस पे। तो कुछ होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक बेटा। फोटोसिंथेटिक का मतलब दे यूज लाइट, है ना? लाइट का यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड देन फर्दर ये डिवाइड कर, इसको CO2 + H2O मिलके क्या बनाएगा, C6H12O6 फूड बनाएंगे ना बेटा ये, राइट और रॉन्ग? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? तो लाइट का यूज करके इन्होंने क्या किया, ये अपना फूड दे कम अंडर फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? फॉर एग्जाम्पल साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के अंडर कौन आते हैं? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। एनाबिना हम पढ़ेंगे इनको अभी, है ना? एनाबिना, राइट? अच्छा, कीमोसिंथेटिक क्या होता है बेटा? दो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बायोलॉजिकल कन्वर्जन करते एक प्रोडक्ट को दूसरे। हाँ वेरी गुड, दे एक्चुअली कन्वर्ट वन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इनटू इनटू अनदर इनटू अनदर। तो ऐसा क्यों करते हैं मानस ये? इनको कौन सी खुशी मिलती है? ताकि अपना फूड बना सके, एनर्जी एनर्जी। वगैरह, एनर्जी तो एनर्जी कहां से मिलेगी? केमिकल उनके रिएक्शन से। ब्रेकडाउन हाँ होंगे, उनके अंदर तो केमिकल बेटा रिएक्शन जब ये होंगे, ब्रेक डाउन होगा और किसी दूसरे में टूटेगा तो यहां पे क्या रिलीज होगी? एनर्जी। एनर्जी दैट केमिकल एनर्जी इज फाइनली यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिंपली, राइट? तो एक नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और उसके लिए जो एनर्जी है, जो कि फोटोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया कहां से ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं ना, लाइट से ले रहे हैं। लेकिन यहां पर कहां से मिल रही है उन्हें, एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का यूज ये फूड बनाने में कर रहे हैं। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ऑल दीज बैक्टीरिया जो इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे वो किसके अंडर आते हैं? कीमोसिंथेटिक। कोई दिक्कत हो गया यहां तक? लिख लिया? ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट आता है बेटा, हम बैक्टीरिया को फिर से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। किस चीज के बेस पर डिवाइड करते हैं? कलर स्टेन। स्टेन क्या होता है? स्टेन होता है कलर करना। क्या होता है? कलर करना। तो ये दिया ऑब्वियसली ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग। बात समझ में आती है? तो बेटा स्टेन कुछ बैक्टीरिया जो जो क्या हुए, पॉजिटिव जो स्टेन हुए, दे कम्स अंडर ग्राम ग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं हुए दे कम्स ग्राम अंडर ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। तो इस तरह से हमने एक डिस्टिंग्विश कर दिया बैक्टीरिया को, डिवाइड कर दिया दो पार्ट, ठीक है? कलरेशन करना, कलर करने के लिए किसी चीज का होना बहुत जरूरी हाँ है ना? जैसे मान लो आपके आपने कपड़े पहने हैं, आपने व्हाइट कपड़े पहने हैं, है ना? तो आपके ऊपर किसी ने कलर फेंका तो व्हाइट कपड़ों पे वो लगेगा और दिखेगा भी, राइट और रॉन्ग, है ना? तो मान लो मैंने फेंका ब्लैक कलर, कैसा? ब्लैक तो व्हाइट कपड़ों पे ब्लैक दिखेगा, तो मतलब स्टेनिंग हुई है। अब मेरे पास मान लो क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, पांच बच्चों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और पांच ने व्हाइट कलर के, और मैंने ऊपर से कलर कौन सा फेंका बेटा? ब्लैक ब्लैक। मुझे बताओ किन बच्चों में ब्लैक कलर दिखेगा? व्हाइट जिन्होंने व्हाइट कमीज पहनी है, और जिन्होंने ऑलरेडी ब्लैक पहनी है क्या उनपे कलर दिखेगा? तो वो ग्राम क्या होंगे?
नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन हूँ? तो डिस्टिंग्विश कर दिया ना मैंने ये बच्चे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे ही हमने बैक्टीरिया को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग कैपेसिटीज या स्टेनिंग, जो भी वो मटेरियल उनके लिए यूजफुल है, राइट, या जिससे भी वो स्टेन होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमने किसमें डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है। अब जब हमने देखा, देखो मैंने कमीज वाला जो एग्जाम्पल दिया वहां पर तो तुम्हारी कमीज है जो तुम्हें डिस्टिंग्विश करने में, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या है, सेल वॉल। तो पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा दैट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लाइसोजाइम। अभी एक ऑस्कर मिला है, किसको किसको मिला है ऑस्कर मिला है ना, कि हिंदी गाने को नाम क्या था गाने का, हाँ बिल्कुल, और एक मूवी को भी मिला है, शॉर्ट मूवी है ना, एलिफेंट के रिगार्डिंग था, उसमें बताया गया था, साउथ वेस्ट मूवी थी, कोई एलिफेंट और ह्यूमन का बॉन्डिंग था, तो उसके लिए उसको ऑस्कर मिला है, दो ही ऑस्कर मिले, तीसरा भाई साहब को मिलेगा लाइसोजाइम के लिए। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो, हाँ पेप्टाइडो तो ग्लाइकिन, ग्लाइकन। बेटा क्या, किस चीज की बनी होती है पेप्टाइडो, ग्लाइकन। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस। जतिन एनिमल सेल की सेल, एनिमल सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन या सेल मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में आती है, ठीक है, चलो फिर आगे। तो सेल वॉल से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि कौन ग्राम पॉजिटिव, या ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी है, या फिर नेगेटिव की सेल वॉल कैसी, बात समझ में आती है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ग्राम पॉजिटिव, तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव पे जाएंगे तो उसकी सेल वॉल में इस तरह से जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकन का, वो आपको नजर आएगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया, दैट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पेप्टाइडो ग्लाइकन। सोनल बेटा पेप्टाइडो ग्लाइकन के नीचे क्या होगा, अंदर वाली साइड को, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सिंपली, राइट। जतिन ये क्या बना रहा हूं बेटा, दीज आर वॉटर मॉलिक्यूल्स, क्या है ये, क्या नहीं है, दीज आर लिपिड्स, लिपिड मॉलिक्यूल, क्या है ये, बायलेयर फॉस्फो लिपिड, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बायलेयर फॉस्फो लिपिड्स, बीच में इनके क्या होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है यहां तक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल ऐसे दिखती है, राइट। अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, वो सुनना ध्यान से, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल नेगेटिव क्यों है, उसकी कलरेशन क्यों नहीं होती है ना, पॉजिटिव की कलरेशन क्यों होती है, स्टेनिंग क्यों चढ़ती है पॉजिटिव पे, राइट। तो अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं, पेप्टाइडोग्लाइकन तो आपको मालूम है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, नेगेटिव का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और चीज आपने याद रखनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन में पॉजिटिव में यहां पर कुछ क्या होंगे, टिकोइक एसिड्स होंगे, क्या होंगे, टिकोइक एसिड्स, टिकोइक एसिड्स, ये भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि टिकोइक एसिड आपको कहां मिलते हैं, है ना, कहां मिलते हैं, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करो, तो अभी हम आते हैं ग्राम नेगेटिव पे बेटा, इसमें सबसे ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है इसमें सबसे ऊपर, सेल मेम्ब्रेन,
इस तरह से लिपिड की बायलेयर होगी, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, क्या प्रेजेंट होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, क्लियर, और इसके नीचे फिर से क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में मानस, कोई दिक्कत बेटा यहां पर, मुझे ठीक क्लियर? तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड, क्लियर? उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है। और दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, पेप्टाइडो ग्लाइकन। सुन, ग्लाइकन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकन मीन्स शुगर, कंप्लीट तो पेप्टाइडो मीन्स भाई साहब, कंबो वो अमीनो एसिड का जो बॉन्ड फॉर्म तो किया है, इसका मतलब यहां पे मैंने जो भी दिखाया ये क्या दिखाया, शुगर प्लस प्रोटीन। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हम इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं बता रहे, मैं सिंपल गोले लगा रहा हूं रिप्रेजेंट करने के लिए, बट है क्या, ये शुगर प्रोटीन प्लस प्रोटीन दैट मेक्स पेप्टाइडो ग्लाइकन। बात समझ में आती है, जैसे ठीक है? तो ये बनाओ जल्दी से, और सबसे ऊपर इसमें क्या लगेंगे बेटा, देखो ये फॉस्फोलिपिड है ना, लेयर ऊपर इसमें इस तरह से शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। तुम्हें मालूम है बैक्टीरिया डिजीज कैसे कॉज करता है, इनको हम क्या बोलेंगे, लिपो पॉलीसेकेराइड्स। क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड का मतलब भी क्या होता है, शुगर, लिपिड्स लिपो मतलब लिपिड। लिपिड क्या होता है, फैट। फैट्स क्या होता है बेटा, फैट, विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरोल। ग्लिसरोल कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता ग्लिसरॉल कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है, है शिवास में, ग्लिसरोल कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है बेटा, सर वेरी गुड, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। कितना होता है, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। अभी हम पढ़ेंगे आगे बायो मॉलिक्यूल, ठीक है? ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो लिपो पॉलीसेक्राइड, अब देखो इतनी सारी, एक हिसाब से तुम ये समझ लो कि ये नेगेटिव इसीलिए क्योंकि ये स्टेन नहीं कर पाता है ना, राइट? लिपिड्स क्योंकि ऑलरेडी बाहर क्या लगे हुए हैं, लिपिड्स लगे हैं, देन लिपो पॉलीसेक्राइड है, राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत बेटा इसमें? सर अभी तुम्हें मालूम है कि कोई भी बैक्टीरिया डिजीज कैसे कॉज करता है और क्यों कॉज करता है कुछ आइडिया? बोलो बोलो। क्या एक्चुअली होता क्या है बेटा, देखो जो ये आपको बाहर दिख रहे हैं ना लिपोपॉलीसेकेराइड, जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है तो ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स है ये हमारे सेल से बाइंड करते हैं, और जब ये बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट? तो मैक्सिमम टाइम पे जब ये डिस्टर्ब करते हैं तो उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं नहीं होते। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया जब भी हमारे सेल से बाइंड करेंगे ना, तो सेल की टोटली फंक्शन को खराब भी करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारे बाकी के फंक्शन को भी खराब करेगा, एंड दैट एक्चुअली कॉज डिजीज। समझ में आई बात? तो अगर मैं इनको हटा दूं, अगर मैं किनको, लिपोपॉलीसेकेराइड्स तो बैक्टीरिया तो कैसा हो गया, वायरल हार्मफुल नहीं होगा ना, डिसऑर्डर आई बात समझ में? इनको हटाने को क्या बोलूंगा, डिसआर्म करना। क्या डिसऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके आर्म्स है ना डिसऑर्डर जिसको हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में, अगर मैं इन्हें हटा दूं तो इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत इसमें? याद करो ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पढ़ा है तुमने, प्लस टू में? ये क्या बोलते हैं डिसऑर्डर वेक्टर्स बनाने में, नहीं, वो तो ठीक है, डिसआर्म कर दिया मैंने, है ना, लेकिन इसका एक और मतलब, इसके थ्रू तुमने कहीं पे कुछ पढ़ा है प्लस तुम्हें, बताओ। वेक्टर्स मतलब डिनोट दर्शाने को ट्यूबर ट्यूनोफिश उसमें उसको नहीं, हाँ वेरी गुड, कहाँ पढ़ा माउस है, में माउस वाला, अच्छा ग्रिफिथ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना बेटा, वहां पे यस हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही वो वायरुलेंट वायरुलेंट होता ही किस वजह से,
चेंज की वजह से, है ना। और जो नॉन वायरुलेंट है उसमें चेंज नहीं होती, नहीं होती है। तो जब वो वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट वाला जब वायरुलेंट बनता है ये, तो कौन जाता है, ये तो डीएनए ट्रांसफर होता ट्रांसफर है और उस डीएनए से कोडिंग होती है इनकी, और दैट बिकम्स वायरुलेंट। इसका मतलब इन पॉलीसेक्राइड लिपो पॉलीसेक्राइड चेन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। समझ में आती है बात, क्लियर। इसको जरा ध्यान में रखना कि क्यों ये वायरुलेंट होते हैं, राइट। समझ में आती है यहां तक बात, यस ठीक है, चले आप आगे। सर, एक होमवर्क लिखो, मैं मिटा दूं ये सब, शिवास में लिख लिया बेटा आपने ये सब, यस सर, ठीक है बच्चा। होमवर्क लिखो, आप कल मुझे 5 एग्जाम्पल लिख के आएंगे ग्राम पॉजिटिव के, और 5 लिख के आएंगे ग्राम नेगेटिव, और उन सभी से होने वाली डिजीज के क्या क्या लिख के आने हैं, सभी से होने वाली डिजीज के नाम प्लस उन 5-5 के एग्जाम्पल। क्लियर यहां तक, ठीक है। इसमें जितने भी मतलब पॉजिटिव बैक्टीरिया तो फिर नेगेटिव होंगे, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जो डिजीज कॉज करते हो तो ग्राम नेगेटिव ही होंगे। वही तो मैंने देखना है सर, जब तुम इसके एग्जांपल लिख के आओगे तो तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो वही फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कौन डिजीज करता है, राइट। अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं यू बैक्टीरिया, क्या करने वाले हैं, यू बैक्टीरिया। बेटा यू बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है, यू माने ट्रू ट्रू और बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया, तो कैसे बैक्टीरिया है बेटा ये, ट्रू बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो आज के समय में पाए जाते हैं, राइट। तो इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, सीधा सीधा क्या बनाएंगे, इस तरह से एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक बेटा। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकान। किसकी बात बेटा, अभी अभी बताया था 10 मिनट पहले, है किसकी बनी होती है सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन। बात समझ में आई, यस, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर को इनफोल्ड होगी, इसका नाम क्या होगा, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे बेटा इसे, इसका एक नाम होता है, प्रॉपर नहीं होता इसके, तो क्वेश्चन पता क्या आता है, एंड दिस इज नोन एज मेसोजोम। क्वेश्चन ये आता है कि ये इनफोल्डिंग है क्यों और इसका काम क्या है, तो बताओ जरा। देखो थोड़ा सा अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो शायद तुम्हें समझ भी आ जाएगा, टेढ़ा तो नहीं बनाना है डायग्राम, ठीक है। जब वैक्यूम बनता है ना, वेरी गुड, ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, क्या करता है, सरफेस एरिया को इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि इसको जगह बहुत सारी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, यू, वेरी गुड, प्रोकैरियोट्स। किसके अंदर आते हैं मानस, अच्छा प्रो, हम किसके अंदर आते हैं मानस, प्रोकैरियोट्स या यू, हम तो यू के अंदर ही होने रही है, ठीक है, ठीक है। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, ठीक। अब बेटा प्रोकैरियोट्स के पास एक खास बात तुम्हें मालूम होगी, तुमने शायद 8th में पढ़ा होगा ये, प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनेले नहीं, प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनेले नहीं, एक्सेप्ट वन, दे डोंट हैव सेल ऑर्गेनेले एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज एक ऑर्गेनेले है जो प्रो और यू में दोनों में हो, राइबोसोम, सॉरी नाम क्या है, राइबोसोम। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बतानी है दैट राइबोसोम्स आर यूनिसेलुलर और डबल मेम्ब्रेन, इट इज इट सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, बोलो बोलो शाबाश शिवास्मी, आप बोलो बेटा,
सिंगल होंगे सर। आशीर्वाद इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। कैसा है बेटा ये? मेम्ब्रेन लेस। इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा। समझ में आई बात? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन कौन होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। आई बात समझ? जी सर। बाकी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं राइट? एंड दिस राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस। कौन से वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है बेटा प्रोकैरियोट्स में? 70s। 70s, वेरी गुड। एस स्टैंड्स फॉर यूनिट। सेवर्डबर्ग यूनिट। सेवर्डबर्ग इन यूनिट। यूनिट। बात समझ में? कोई दिक्कत? फर्दर दो सब यूनिट होते हैं 70s के, कौन कौन से? 50s एंड 30s। इज इट क्लियर? और अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 50s इज ऑफ टू टाइप एंड 30s इज ऑफ सिंगल टाइप। नाम बताओ तो लिखो फिर होमवर्क की। पता होना चाहिए था ना, वैसे होना चाहिए था। लिखो फिर होमवर्क में लिखो, आपको राइबोसोम के फर्दर यूनिट्स भी पता करके आने। देखो होमवर्क बढ़ता जाएगा, एट्थ की बातें हैं इसलिए मैं इनको नहीं करवाऊंगा, है ना? क्योंकि एट्थ में आ जाता है सब, आता है आ जाते हैं। ठीक है चलो, एक ये भी करके आना है। तो अब बेटा राइबोसोम तो चलो है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? वो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री माने इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। सिंपल, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं जरा, इधर अंदर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? साइटोप्लाज्म, ठीक। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए उसके बाद उनकी पैकेजिंग करना या वो साइट प्रोवाइड करना जहां पे खाना बनाने के लिए किचन तो होना चाहिए ना घर पे, कि ऐसे कहीं बाथरूम में बैठ के खाना बना सकते हैं? समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो राइबोसोम जब यूकैरियोट में प्रोटीन बनाता है तो कहाँ बनाता है? गोली बॉडी। वेरी गुड। कहाँ बनाता है? माइटो। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या बनाता है? कहाँ बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।